कैसे आप iPhone 16 बना सकते हो, वो भी कार्डबोर्ड से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले बनाएंगे फोन की बैक साइड और फ्रंट साइड। तो बैक साइड बनाने के लिए मैं यहाँ पे पिंक कलर का चार्ट पेपर ले रहा हूँ। आपको चार्ट पेपर कोई भी स्टेशनरी पे अवेलेबल मिल जाएगा। चार्ट पेपर में से मैं एक हिस्से को कट कर लूंगा, जिससे हमें बैक साइड बनाने के लिए पेपर मिल जाएगा। वैसे मैंने ब्लैक पेपर से फ्रंट साइड बनाने के लिए भी एक पेपर कट कर लिया है। तो फ्रंट साइड बैक साइड का पेपर रेडी है। फिर मैं दोनों पेपरों को फोन की साइज के हिसाब से कट कर लूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने इनको फोन की साइज के हिसाब से कट कर लिया है। तो हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड रेडी है। अब बनाएंगे फोन की बॉडी। बॉडी बनाने के लिए मैं यहाँ पे हेलमेट का बॉक्स का यूज कर रहा हूँ। इसमें से मैं एक हिस्से को कट कर लूंगा। तो एक कार्डबोर्ड के टुकड़े के पीछे की साइड में फोन के साइज के हिसाब से एक शेप ड्रॉ करूंगा, कुछ इस तरह से। तो मैं आपको आईफोन की साइज दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप कट कर लो। तो फोन की बॉडी बनाने के लिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड की चार लेयर ले रहा हूँ। चारों लेयर्स को एक साथ जोड़ने के बाद फोन की बॉडी रेडी है। आपके कार्डबोर्ड के हिसाब से आप कार्डबोर्ड की लेयर को ज्यादा या कम लगा सकते हो। अब बनाते हैं फोन की डिस्प्ले। डिस्प्ले बनाने के लिए पहले हमने जो ब्लैक पेपर को काटा था, उसके चारों साइड में हम ब्लैक टेप को चिपका देंगे, एक रियलिस्टिक लुक दिखने के लिए। और एक्स्ट्रा टेप के पोर्शन को हम सीजर से कट कर लेंगे। आपको भी कुछ इसी तरह से चारों साइड में टेप को चिपका देना है। और डिस्प्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सरे पेपर को ले लिया है, जिसकी बैक साइड में मैंने यहाँ पे ब्लैक टेप को चिपका दिया है। अगर आपके पास एक्सरे पेपर ना हो तो आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पेपर के पीछे की साइड ब्लैक टेप को चिपका सकते हो। तो मैंने उसे डिस्प्ले की साइज के हिसाब से कट कर लिया है, उसे मैं फ्रंट साइड में लगा दूंगा। और एक्सरे पेपर से मैंने यहाँ पे डायनेमिक आईलैंड भी बना लिया है, उसे भी मैं फ्रंट साइड में लगा दूंगा। फ्रंट और बैक हमारा रेडी है, तो मैं उसे फोन की बॉडी पे लगा देता हूँ। अब बनाते हैं फोन का कैमरा। कैमरा बनाने से पहले मैं बनाऊंगा कैमरे का फ्रेम। कैमरा फ्रेम आपको दिए गए फोटो के हिसाब से बनाना है, क्योंकि हम बना रहे आईफोन 16 ना कि आईफोन 15। तो आप देख सकते हो मैंने कैमरा फ्रेम को कट कर लिया है और उसके ऊपर की साइड मैंने ट्रांसपेरेंट टेप को चिपका दिया है। अब बनाते हैं कैमरा। कैमरा बनाने के लिए मैं फिर से एक्सरे पेपर का टुकड़ा ले रहा हूँ, जिसके पीछे की साइड मैंने फिर से ब्लैक टेप को चिपका दिया है। उसमें से एक टुकड़ा कट करके मैं उसको राउंड शेप में कट करूंगा, जिसकी साइड मैं आपको साइड में दे रहा हूँ। कैमरा तो हमारा कट करके रेडी है, पर उसकी कैमरा फ्रेम बनाने के लिए मैं उसके नीचे की साइड एक पिंक पेपर को चिपका रहा हूँ। फिर उसे हम साइड साइड से सीजर से कट करेंगे। कट करने के बाद कैमरे के नीचे की साइड हमें पिंक कलर की एक फ्रेम दिखाई देगी। दोनों कैमरास को मैं कैमरा फ्रेम पे लगा देता हूँ। वैसे एक छोटा सर्कल कट करके मैंने बनाया है कैमरा लेंस, जिसको मैंने बनाया है एक्सरे पेपर से। तो लेंस को आपको कैमरे के अंदर की साइड लगा देना है, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कैमरे के साइड में मैंने एक छेद गिरा के माइक्रोफोन भी बना दिया है। तो कैमरा हमारा रेडी है, तो फिर मैं उसे एक साइड में कुछ इस तरह से लगा दूंगा। और गोल्डन पेपर से मैंने यहाँ पे फ्लैश लाइट को भी बना दिया है, उसे भी हम बैक साइड में इस तरह से लगा देंगे। अब बनाते हैं एप्पल लोगो। एप्पल लोगो आपको बनाने के लिए फिर से आपको पिंक पेपर का एक टुकड़ा ले लेना है, जिसपे आप पेंसिल या पेन की मदद से उस पे साइड में दिए गए फोटो के हिसाब से लोगो को ड्रॉ कर लेना है। तो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने यहाँ पे लोगो को ड्रॉ कर दिया है, उसे मैं सीजर से कट कर लूंगा। आप लोगो को आराम से ड्रॉ करके कट कीजिए, क्योंकि आईफोन में मेन होता है लोगो। तो लोगो कट करके भी हमारा रेडी है, उसे मैं फोन की बैक साइड में लगा दूंगा। लोगो को आपको बिल्कुल सेंटर में चिपकाना है। फोन तो ऑलमोस्ट रेडी है, अब बना लेते हैं साइड फ्रेम। साइड फ्रेम बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह से पिंक पेपर में से पट्टियों को कट कर लेना है, जिसकी साइड में आपको साइड में दे रहा हूँ। फिर आपको एक एक करके पट्टियों को कुछ इस तरह से फोन की बॉडी पे लगा देना है। तो मैंने चारों साइड में पिंक पट्टियों को लगा दिया है।
और वैसे मैंने पिंक पेपर से साइड बटन्स भी बना लिए, तो एक एक करके साइड फ्रेम पे हम बटन्स को भी लगा देंगे। और पेपर से मैंने यहाँ पे साइड एंटीनास भी बना लिए, तो फाइनली हमारा आईफोन 16 रेडी है।